सर इधर देख ले, पहले हम इधर देखे खड़े वैसे ही होते हैं। एक मिनट पहले थोड़ा सा आगे कीजिए, हाँ। वो सही नहीं है लाइन, थोड़ी आगे आ जाए, आगे आ जाए, ये चेयर थोड़ा इधर खिसका लीजिए मैम, और आगे बढ़ जाइए, इधर आप इधर आके खड़े होइए, इधर है ना, आप इनके पीछे खड़े होइए, थोड़ा सा गैप रखिए अपने आपस में, और सब उधर देखेंगे, इधर पीछे कोई नहीं देखेगा। अभी पहले मेरी सुन ले, पहले एक मिनट मुड़ जाए, फिर ऐसे करें सर, मैडम को कुछ करके दिखाएंगे, मैडम इनको कुछ करके दिखाएंगी, ठीक है, वो कंटिन्यू डुप्लीकेशन चलेगा, देखते हैं कैसे चलता है, आप उधर देखिएगा सीधा, मैडम आप इधर देखिए सर की तरफ, सर कुछ बता रहे हैं आपको करने के लिए, बिना देखे नहीं, 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 नहीं आप उधर रहो, मैडम बताएंगे, बहुत प्रेस्टीजियस, बहुत दिमाग लगा रही है, एक मिनट सर, सर सर सॉरी, ये पर्दा सही कर दीजिए, इस साइड मूव करें आप सब, इस साइड मूव करें आप सब, उधर मूव करें सब लोग, उस साइड मूव करें, वो वहां से करवाएं, वहां से करवाइए, वो पर्दा सही कर दीजिए, दिख रहा था उसमें पूरा, मैडम आप देखिए सर को, सर को आप आगे देखिए, सर कुछ करके दिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपन देखते हैं, फिर मैडम इन लोगों को बताएंगे, ठीक है, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, चले हाथ मिलाते हैं, अरे अरे बोलना नहीं है, सॉरी आगे आएंगे, जस्ट बी सीरियस, बहुत जरा जरूरी है, ऐश्वर्या जी करो बस, नेक्स्ट सर, एक सेकेंड रुकिए, आपका रोल है सर, आप इनको घुमाएंगे और मैम से बोलेंगे, अब आप बताइए, फिर आप उधर घूम जाएंगे या यहाँ पे रहेंगे, आपका रोल साथ में चलेगा सर, ओके मैम प्लीज करके दीजिए, आप देखिए आपस में बात नहीं करनी है, जो आपको बताया गया, जो आपको समझ में आए, वो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए बस, जो भी है मैम उधर नहीं, आपको जो भी समझ में आ रहा है, ठीक है आगे वो आगे वाले कंफ्यूजन है, सब हंस क्यों रहा है, अब एक मिनट, अब आप उनको करके दिखाइए आपने क्या करा, वहां पे क्या हुआ, आपको ये बताया गया था, चले अब आप चले जाइए, आपको यही बताया गया था, क्या क्या बताया गया था, अब सब लोग इधर घूमे और मैम बताइए क्या बताया गया था, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक है, yes. Yes. मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, देखिए मैंने दिस वन ठीक है, फिर ए से बस ओवर ये किया था, क्या हो गया, हाथ हो गए, मैंने एक हाथ यूज किया था, अब समझ में आया कि क्यों काम नहीं हो पा रहे, हेलो, क्यों सिस्टम को लोग छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी का सिस्टम बना लेते हैं, yes. एक हाथ यूज किया था, यहाँ से दो हाथ चलने लगे थे, कहिए तो अपने सिस्टम को छोड़ के काम करोगे तो यही होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन कहती है वैसा आपको काम करना है,
अगर आप चाहते हो ग्रोथ तो अगर इनको समझ में नहीं आया था तो सर से दोबारा पूछ सकती थी कि आप मेरे को दोबारा बताइए, मेरे को समझ में नहीं आया। इनने पूछा नहीं, घबराहट में इनने क्या किया, जो इनको समझ में आया वो इनको बता दिया, और फिर इनने जो समझ में आया इनको बता दिया, पूछा है नहीं हमने किसी से। यही आज हमारे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं। हम अपनी मर्जी से वीडियोस देख लेते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, और फिर हमें जो समझ में आता है हम नीचे, तो प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहे। और जब प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो हमारे टीम लीडर जैसी हालत होगी। तो इन टीम लीडर्स के लिए ताली बनती है, आप लोगों के लीडर है। चलिए थैंक यू वेरी मच। किसी को नींद नींद आ रही क्या? पक्का? अगर आ रही हो तो एक्सरसाइज करवाएं। क्या कहते हैं अनिल जी, एक्सरसाइज होनी चाहिए मेरे? होनी तो चाहिए। कुछ लोग तो सुस्ता रहे हैं। अपन ने दो रोटी कम करके बुलवाई थी, उस पर भी भारी पड़ गई है रोटी इनको। अरे कई लोग कह रहे हैं भैया रोटियां कम है, कमी करवाई थी, जानबूझ के हमने कमी रखी थी, क्योंकि हमें मालूम है दिन में खाना खाएंगे, एसी की हवा चल रही है मस्त, ठीक है, तो क्या होगा, जबकि आई जाएगी, हम इंसान है, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए। तैयार है? सब अपनी जगह पे सीट पे खड़े हो जाए और थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लें एक दूसरे से। थोड़ा स्पेस ले लीजिए भैया, इधर थोड़ा फैल जाओ, नहीं तो पता चला एक दूसरे को तमाचे पड़ेंगे। सोच लेना किसी को तमाचे तो नहीं खाने, पड़ जाएंगे गलती से भैया, मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है, तो स्पेस बना लीजिए इतना कम से कम, ठीक है। अब सब इस मुंह इस साइड ही रखेंगे, मेरी साइड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सीधे खड़े हो जाए, ठीक है, आपके सामने एक दीवार है, आपके सामने एक दीवार है और आपके पास एक बाल्टी है, इमेजिन करना है, इमेजिन, ठीक है, कल्पना करनी है कि आपके सामने एक दीवार है और आपके पास एक डिस्टेंपर की बाल्टी है और एक बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रश आपको मिला हुआ है, क्लियर, और आपको पूरी दीवार को पोतना है। दीवार कितनी बड़ी होती है मालूम है ना, तो सोच लेना उचकना भी पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे तो करें स्टार्ट। वन टू, थोड़ा स्पेस तो ले लो, आप क्या करोगे, इनको मारोगे? वो दीवार में कैसे है, कैसे पोतना है, ये डिस्टेंबर ऐसे लेना है, ऊपर से नीचे से इस तरफ से भी लेना है, ऐसे दोनों तरफ से लेना है, शुरू करें। अच्छा पहले नीचे से पोते कि ऊपर से? ऊपर से ना, ठीक है शुरू करते हैं। वन टू स्टार्ट। अगर किसी को कुर्सी पे चढ़ना तो कुर्सी पे चढ़ के भी पोत सकता है, क्योंकि 10 मिनट की दीवार है भैया। अच्छे से चलो, बेईमानी चीनी नहीं वाली, सब पे नजर है मेरी। अरे बिना पैंट लिए कैसे कर रहे हो, पैंट तो ले लो, पैंट ले लो, पैंट लो नीचे से, पैंट लो, जैसे पेट का होगा सबके पेट बड़े जा रहे, निकले जा रहे पेट। अच्छे से, हाँ ये लो सर कितने, ये लो सर, हाँ ये सही पैंट है, सर ये सही करना था, सर ब्रश भी कितना अच्छा बना है, देख रहे हो, तो फटाफट रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अरे यार लगातार, अरे इतनी जल्दी थोड़ी होती है, ये आपके सपनों की दीवार है, सपनों के घर की दीवार है, पेंट ले लो, पेंट पेंट लो नीचे लो, अनिल सर करके दिखाओ, पेंट ले लो यार, देखो ऐसे लो पेंट, ये ऐसे थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा इधर आओ, ऐसे थोड़ा दो, हाँ ऐसे एक जगह खड़े होकर कोई पेंट करता है क्या, कैसे हो यार, पड़ोस वाले का पेंट कर रहा है, पेंट कर लेंगे, हाँ सर डायरेक्टर हो, क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हैं, ये बात, ये देखो ये सही है पेंट।
ये स्मार्ट काम कर लिया है, पेंट ऊपर ही ले लिया। ये देखो स्मार्ट वर्क, ये बनेंगे सबसे पहले। जो बात आई है आप लोगों के लिए, मजा आया? दीवार कैसी लग रही है? ब्लू कलर की लग रही है ना? चलो थैंक यू, अपने अपनी सीट ग्रैंड करें।